हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बीआर टैग के बारे में कि बीआर टैग का एचटीएमएल में क्या इस्तेमाल है। देखें, बीआर टैग जो है ये एक सिंगल टैग है, पेयर टैग नहीं है। और दूसरी चीज ये कि ये लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान अल्फाजों में मैंने आपको बता दिया कि ये लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक सिंगल टैग है, ये पेयर टैग नहीं है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। दूसरी चीज ये कि हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ लाइक यहां से हम लोग कुछ टैक्स उठा लेते हैं, ये वाला डमी टैक्स है ये, और यहां पे एक पी का टैग लिखते हैं हम लोग, और पी के टैग में मैंने ये डमी टैग टैक्स जो है ना वो ऐड कर दिया। अब बी आर टैग को समझते हैं। इसे मैं पहले ओपन कर लेता हूँ पेज को। हम लोग लिखते हैं br.html। देखिए ये हमारे पास टैक्स है, देखिए ये एक ही लाइन में है, ये यहां से शुरू होता है और देखें ये यहां पे एंड होता है। अब क्या हो अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पे एक लाइन ब्रेक होनी चाहिए, यानी कि यहां तक ये लाइन हो और फिर ये वाला टैक्स जो है ये न्यू लाइन पे आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी हम लोग लाइन ब्रेक चाहते हैं वहां पे हम लोग लिखेंगे एक बी आर का टैग। हम लोग लिखेंगे बी आर, जस्ट हमने ये बी आर का टैग इस तरह से लिख देना है। तो ये क्या करेगा, ये लाइन ब्रेक कर देगा। कंट्रोल एस को सेव किया और अब चल के रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी यहां पे एक लाइन ब्रेक हो चुकी है, देख रहे हैं। जहां जहां पे भी आप लाइन ब्रेक चाहते हो, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक लाइन ब्रेक चाहता हूं तो मैं यहां पे बी आर का टैग लिख दूंगा। अगर मैं यहां पे एक लाइन ब्रेक चाहता हूं तो मैं यहां पे एक बी आर का टैग लिख दूंगा। तो ये जस्ट लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। अगर मैं यहां पे दो बी आर लिख लूं, देखें कंट्रोल ऐसे सेव किया, तो यहां पे देखें ये एक लाइन ब्रेक यहां से हुई और दूसरी लाइन ब्रेक फिर यहां पे आ गए, फिर से लाइन ब्रेक होके ये टैक्स नीचे आ गए। तो जस्ट बी आर टैग के लिए इतना ही कि ये लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। मजीद इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि बी आर टैग इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, द बी आर टैग इज यूजफुल फॉर राइटिंग एड्रेसेस और पॉइंट्स, द बी आर टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट इट्स हैज नो एंडिंग टैग, मतलब नो एंड टैग, इसका एंडिंग टैग नहीं होता और ये बिल्कुल एक सिंगल टैग है। आई होप सो कि बी आर टैग के बारे में आपको पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड।